अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माई ए जी अहमद एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। आज के हमारे है क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोइम्स, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोइम्स। पोइम्स के क्वेश्चन आंसर हैं, पोइम नंबर है 8, ओज़िमंडियास। लेटर्स, स्टोरीज, एसेस बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ अपलोड किए हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं, और एप्लीकेशन भी अपलोड की हुई हैं। 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऑल बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। होम डिड द पोएट मीट इन द पोएम ओज़िमंडियास। द पोएट मेट अ ट्रेवलर हु हैड कम फ्रॉम एन एंशियंट लैंड। शायर जो है एक मुसाफिर से मिलता है जो एंशियंट लैंड, कदीम जगह से, जो ना जमाने की जगह से, जो ना पुरानी जगह से आया है। वेयर डिड द ट्रेवलर सी सी स्टोन लेग्स। ये वो उन सालों के नाम हैं, उन पेपर्स के नाम हैं। लाहौर बोर्ड का 2009 में और 11 में ये क्वेश्चन आया है, और गुजरांवाला बोर्ड में 2011 में आया है। ये लिखे हुए हैं पास्ट पेपर्स के ना, लिखे हुए। ही सा टू बिग ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंडिंग इन द डेजर्ट। वो बगैर यानी कि ऊपर वाले हिस्से के सहरा में दो टांगों को खड़ा हुआ देखता है। वट मॉरल लेसन डू वी लर्न फ्राम द पोएम। नज़म से हम क्या अखलाकी सबक सीखते हैं। द पोएम टीच अस दैट वी शुड नॉट फॉरगेट द मोरालिटी ऑफ दिस लाइफ। नज़म हमें सिखाती है कि हमें जो है ना इस ज़िंदगी के अखलाकियात को कभी नहीं भूलना चाहिए। टाइम ब्रिंग्स एन एंड टू एवरीथिंग। वक्त जो ना हर चीज़ का इख्तिताम लेकर आता है। वी शुड नॉट बिकम प्राउड ऑफ आर पावर बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ टू डाई वन डे। हमें अपने जो है ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स जो है एक ना एक दिन मरना है हर शख्स ने। वट इज़ द थीम ऑफ थीम आर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। थीम क्या है और नज़म का सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोइम टीचस अस दैट मैन बिकम्स प्राउड आफ्टर गेटिंग पावर। नज़म हमें सिखाती है कि इंसान जो है ताकत हासिल करने के बाद मगरूर हो जाता है, फ़ख्र करना शुरू कर देता है। ही फॉरगेट्स दैट अल्टीमेटली ऑल हिज एक्टिविटीज विल कम टू एन एंड। कि वो भूल जाता है कि फ़ौरन ही किसी न किसी दिन अचानक ही झटके से जो है उसकी तमाम सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी। डेथ इज द ग्रेटेस्ट फैक्ट ऑफ लाइफ। मौत इस जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। इट ऑल्सो शोज दैट मैन इज मॉर्टल बट आर्ट रिमेन्स इन दिस वर्ल्ड। ये भी नज़म ये भी जाहिर करती है कि इंसान जो है फानी है और इस ये दुनिया का जो आर्ट है वो बाकी रहने वाला है, बाद में भी रहता है उसके बाद। आज का वट डिड द ट्रेवलर सी नियर लेग्स ऑफ स्टोन। ही सा अ क्रश्ड स्टोन फेस हाफ संक इन द सैंड नियर देम। वो क्या देखता है, वो देखता है एक तबाह हाल खस्ता हाल पत्थर जो है, पत्थर का चेहरा जो सहरा में वहां पर पड़ा हुआ है। वट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन डिड द स्टैचू हैव। स्टैचू के मुजस्मे के जो ना चेहरे पर क्या तासरात हैं। द एक्सप्रेशन ऑन द फेस शोड दैट ही मस्ट बी अ प्राउड एंड क्रूअल। तासरात चेहरे के तासरात बताते हैं कि जाहिर करते हैं कि वो हमेशा वो जो है ना मगरूर और जालिम रहा होगा। वट सॉर्ट ऑफ स्कल्प्टर डिड क्रिएट द स्टैचू। द स्कल्प्टर यानी कि बनाने वाला जो है मस्ट बी अ स्किलफुल पर्सन बिकॉज द फीचर्स ऑफ फेस वर वेरी क्लियर। वो बहुत ही माहिर शख्स है, बनाने वाला जो है मुजस्मा साज बहुत ही माहिर शख्स रहा है, क्योंकि उसने जो है चेहरे के तासरात बहुत ही खदोखाल बहुत वाजे बनाए हैं। वट वॉज द नेम रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के कदमों में क्या लिखा हुआ, क्या नाम लिखा हुआ है। द नेम ओज़िमंडियास वॉज रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू। जिसमें के कदमों में ओज़िमंडियास लिखा हुआ है।
हु वाज ओज़िमेंडियास, ओज़िमेंडियास वाज अ किंग, ओज़िमेंडियास एक शहनशाह था। व्हाट डू द वर्ड्स इनस्क्रिप्ट इंस्क्राइब्ड ऑन द पेडिस्टल सजेस्ट, अल्फाज जो लिखे हुए कुंदा किए हुए इंस्क्राइब्ड जो है ना, द वर्ड सजेस्ट दैट टाइम इज मर्सीलेस टू ऑल, मर्सीलेस इट ब्रिंग्स एवरी थिंग टू एन एंड। अल्फाज जाहिर करते हैं कि बेरहम लोगों पर वक्त भी बहुत बेरहमी का असरात मुरतब करता है, हर चीज़ पर वक्त हर चीज़ का इख्ताम लेकर आता है। बट स्प्रेड्स अराउंड द रेमनेंट रेमनेंट ऑफ द स्टैचू, ओनली स्टैंड्स सैंड स्ट्रेच फार अवे इन अराउंड द डिके, सिर्फ और सिर्फ रेत ही इधर उधर फैली हुई है। व्हाट डज द किंग ओज़िमेंडियास रिमाइंड द पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर टाइम, शहनशाह का जो ये मुजस्मा है वो वक्त के ताकतवर लोगों के बारे में क्या याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स देम, ये उन्हें जाहिर करता है, बताता है, ताकतवर लोगों को बताता है, दैट डेथ इज द ग्रेटेस्ट फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, मौत इस दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है। इट टेल्स देम दैट दे विल इजीली लूज होप इफ दे कंपेयर हिज पावर लाइफ पावरफुल लाइफ विद दैट ऑफ हिज ट्रेजिक एंड, कहते कि वो बहुत आसानी से उम्मीद खो देंगे अगर वो अपनी ताकतवर जिंदगी को उस यानी कि ओज़िमेंडियास शहनशाह की जो ताकतवर जिंदगी को उसके इतने अलमनाक इख्ताम के साथ कंपेयर करते हैं। दे मस्ट लर्न अ लेसन एंड बिकम हम्बल पर्सन, उन्हें जो है ना एक सबक सीखना चाहिए और आजिज इंसान बनना चाहिए। यह हकीकत है कि हमें आजिज़ी अल्लाह ताला को भी पसंद है और हमें आजिज़ी ही जाहिर करनी चाहिए। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। एजी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।